और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं। जी हाँ, लखीमपुर खीरी जाने के लिए उनका कहना है कि वो अपनी खुद की गाड़ी से जाएंगे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ पंजाब सीएम चन्नी, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद है। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं, उनके साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद हैं। लखीमपुर जाने के लिए वो अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, और ये तस्वीरें आपको लखनऊ एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं, सीएम चन्नी उनके साथ मौजूद है, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद है। उनका कहना है कि वो अपनी गाड़ी से लखीमपुर खीरी जाएंगे, और प्रशासन उन्हें नहीं जाने दे रहा है, जिसके चलते वो धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी जाने वाली है लखीमपुर। यूपी सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन एयरपोर्ट से राहुल गांधी को अपनी गाड़ी से नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसको लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ सीएम उनके साथ मौजूद है, सीएम चन्नी उनके साथ मौजूद है, प्रियंका गांधी भी उनके साथ जाने वाली है। पांच लोगों के साथ जाने की अनुमति उन्हें दी गई है। लखीमपुर पहुंचकर वो दो पीड़ित परिवार वालों से मिलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वो एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से नहीं जाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, लेकिन प्रशासन उन्हें नहीं जाने दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की घटना के बाद जिस तरह से सियासत तेज होती जा रही है, अब राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं, और सभी राजनीतिक दलों को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी गई है। राहुल गांधी पांच लोगों के साथ लखीमपुर जाएंगे, लेकिन वो फिलहाल धरने पर बैठे हैं, क्योंकि प्रशासन उन्हें अपनी गाड़ी से जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्रशासन की गाड़ी से वो लखीमपुर जाएं, लेकिन राहुल गांधी अपनी गाड़ी से जाना चाह रहे हैं। उनके साथ पंजाब सीएम और छत्तीसगढ़ सीएम भी मौजूद है।